नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 8 से 10 ऐसे यूनिक और इंटरेस्टिंग गैजेट के बारे में आपको बताऊंगी, जिन गैजेट्स के बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, कार मोबाइल माउंटर। इसकी हेल्प से आप अपनी कार में अपने स्मार्टफोन को आप इजिली माउंट कर सकते हैं, जिससे आप कार ड्राइविंग कर रहे हैं उस टाइम पे। अक्सर जब हम कार ड्राइविंग करते हैं उस टाइम पर मैप देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, या अगर आपके पास कॉल आता है तो आपको ड्राइविंग में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे आप अपनी कार में ऐसी इवेंट पर अटैच कर सकते हैं। एक मैग्नेटी की हेल्प से यह अटैच हो जाता है और इसमें ग्लू पेस्ट भी मिल जाता है। अगला है कार डैश कैमरा। जिस समय हम कार ड्राइविंग करते हैं उस समय कहीं पर भी कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो जाए कोई नहीं जानता। उस समय अगर आपकी गलती हो तो आपको सर झुकाने के अलावा कोई उपाय नहीं है, तो ऐसे में आप इस डैश कैम का यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही कमाल का डैश कैम है। इसमें SD10 SD स्पोर्टिंग मिल जाता है और जिस टाइम आप कार ड्राइव कर रहे हैं उस टाइम की सारी फुटेज रिकॉर्ड होकर आपके स्मार्टफोन में सेव हो जाती है, और 360 डिग्री वाइड एंगल भी आपको मिल जाता है। ये पार्किंग मॉनिटर भी है और साथ ही साथ मौसम चेक का भी फीचर मिलता है। किसी भी तरह की आपकी कोई भी एक्टिविटी होने वाली रहेगी तो आपका स्मार्टफोन आपको नोटिफाई करेगा, और ये मौसम को भी डिटेक्ट करता है और साथ ही साथ ये 4K रिकॉर्डिंग को भी रिकॉर्ड करता है। जिस समय आप कार ड्राइविंग कर रहे हैं उस समय आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है और आप एक्सीडेंट से बहुत ही इजीली बच सकते हैं। डैश कैमरा लगे रहने की खास बात ये है, अगर किसी भी तरह का एक्सीडेंट वगैरह होता है आप उस वीडियो या फुटेज को आप इजीली एविडेंस के लिए पेश कर सकते हैं और किसी से भी बहस कर सकते हैं। यह फुटेज आपके स्मार्टफोन में रहेगा, यानी आपका सबूत आपके पास है। और इस डैश कैमरा की खास बात ये है कि आप इसे कैमरे की तरह भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप इसका इस्तेमाल करके 360 डिग्री पर किसी भी फुटेज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 3, वी मेक 4K कैमरा। इसकी हेल्प से आप कहीं पर भी स्मूथली वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं पर भी आप वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हिल जाता है और एक अच्छी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती। चाहे आप अपने स्मार्टफोन से रिकॉर्डिंग करें या फिर अपने कैमरा DSLR से, तो ऐसे में आप इस डिवाइस का यूज कर सकते हैं जो फोन के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, और इसे अपने हाथों में पकड़ना भी बहुत ही इजी है क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट और कम्पैक्ट साइज का है, जिसमें आप 4K 60fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं स्लो में आपको वीडियो रिकॉर्ड करना हो और बहुत ही स्मूथली आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगर हैं तो आपके लिए यह डिवाइस बहुत ही बेस्ट हो सकती है, और अगर आप टिकटॉक की वीडियो वगैरह बनाते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट हो सकता है। इसमें आगे की साइड एक छोटा सा डिस्प्ले है जिसमें आप सेटिंग कर सकते हैं, 4K रेजोल्यूशन, आप FBF फ्रेम रेट वगैरह सेट कर सकते हैं, ऑडियो को आप सेटअप कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने स्मार्टफोन में पेयर करके इजिली वाइड एंगल में जैसा चाहे आप वैसा रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अपने स्मार्टफोन में इसे कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो एज अ डिस्प्ले की तरह ही आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई कनेक्टिविटी के थ्रू, लेकिन इसमें छोटा सा डिस्प्ले मिलता है जिसकी वजह से आपको डिस्प्ले देखने की भी जरूरत नहीं। इसमें आपको सारी चीजें दिखाई देंगी और गूगल माइक्रोफोन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। कमाल की बात ये है कि बहुत छोटा साइज होने के साथ साथ इसमें 4K रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड होता है, और अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या टिकटॉक स्टार हैं तो आपके लिए ये गैजेट बेस्ट हो सकता है। नंबर 4, इंटरनल स्टोरेज, जो वाईफाई कनेक्टिविटी के थ्रू किसी के भी साथ कनेक्ट हो जाएगा, चाहे आपका स्मार्टफोन हो चाहे आपका टैबलेट हो। इसे किसी भी केबल से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, चाहे आपके स्मार्टफोन में 32GB हो या 64GB, कितना भी इंटरनल हो वो किसी भी तरह के डाटा से वैसे भी फुल हो ही जाता है। अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं या वीडियोग्राफी कर रहे हैं उस टाइम पे आपका स्टोरेज फुल शो हो जाता है, तो ऐसे में आप इंटरनल स्टोरेज का यूज कर सकते हैं जो एक साल मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है बिना किसी डाटा कनेक्शन के वाईफाई कनेक्टिविटी के थ्रू, और साथ ही साथ इसे एज अ कार रीडर की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप अपने SD कार्ड को किसी भी तरह के कार्ड को पुट ऑन करके आप अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप में शो कर सकते हैं। इसमें 5500 mAh का पावर बैंक भी है जो आपके वायरलेस स्मार्टफोन को चार्ज भी कर सकता है। घुमा फिरा के 4 से 5 फीचर आपको मिल जाते हैं इस प्रोडक्ट में। नंबर 6, एक्सेप्ट एक्स कनेक्ट। हम अपने स्मार्टफोन को एवरीडे चार्ज करते हैं, क्योंकि अगर आप उसे चार्ज नहीं करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे में आप माइक्रो SD माइक्रो USB पोर्ट में
अपने चार्जर को पुट ऑन करते हैं और आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं, लेकिन अक्सर ये भी होता है जब आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज में डाले हों उस समय पर आप भूल गए और उस टाइम अगर आप अपने फोन को उठाते हैं तो आपका चार्जिंग पोर्ट खराब हो जाता है और उसे फिर रिपेयर करने में काफी प्रॉब्लम आती है। ऐसे में आप इस एसएफ एक्स कनेक्ट को यूज कर सकते हैं जो कि मैग्नेटिक की हेल्प से अटैच रहता है और कभी भी अगर आप अपने फोन को अचानक से उठाएंगे तो वो ऑटोमेटिक ही वो छोड़ देता है क्योंकि ये चुंबक की हेल्प से अटैच रहता है और चार्ज लेता है। और इस एक्स कनेक्ट में खास बात ये है, इसे आप उल्टा डालें या फिर सीधा, ऑटोमेटिक वो चार्ज लेना स्टार्ट हो जाता है। इसके मेन केबल को आपको कनेक्ट करके रखना पड़ता है और आपको बहुत सारा केबल कनेक्टर कैरी करने की जरूरत नहीं है, बस आप सिर्फ एसएफ कनेक्ट को कैरी करें तो आप बहुत ही इजीली कहीं पर भी आप इसे यूज में ले सकते हैं। अक्सर आप कार ड्राइविंग कर रहे हैं उस समय अगर आपको स्मार्टफोन को चार्ज पे डालना हो तो आपको माइक्रो एसबी पोर्ट पे डालना काफी दिक्कत हो जाता है और वहीं अगर एसएफ कनेक्ट हो तो आप इजीली उसे सिंगल हैंड से पास जैसे ही ले जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक ही मैग्नेटिक की हेल्प से अटैच ले लेता है, तो आपके कामों में और आपकी डेली लाइफ में बहुत ही आसान क्रिएट कर देगा ये प्रोडक्ट जिसका नाम है एसएफ एक्स कनेक्ट। ये हर एक मोबाइल के लिए आता है। अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आपको किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट खराब होने का दिक्कत नहीं होगा। नंबर 7 टॉर एक्स। अक्सर हम फुटबॉल खेलते हैं या कहीं पर भी जाने लगते हैं तो उस समय आपके बाइसाइकिल या टायर का हवा पंचर हो जाए तो ऐसे में काफी दिक्कत होती है, तो आप इस इलेक्ट्रिक डिवाइस का यूज कर सकते हैं। इसकी मदद से आप बटन प्रेस करेंगे तो आप किसी भी चीज में हवा डाल सकते हैं, चाहे आपका वो बाइसाइकिल हो या फिर आपके बाइक का टायर हो या फिर आपका फुटबॉल हो। उसमें आपको इसे फुट ऑन करना पड़ता है और बटन जैसे ही प्रेस करेंगे और ऑटोमेटिक ही उसमें हवा भरना स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही साथ इसमें डिस्प्ले में शो होगा कि कितना पॉइंट उसमें हवा डाली गई है। इसे चार्ज करना पड़ता है और रिचार्जेबल होने के साथ साथ आप इसे कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट और कम्पैक्ट साइज का है। ये आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप इसे अपनी कार में रखते हैं या फिर अपनी बाइक वगैरह में रखते हैं या फिर अपने बैग में कैरी करने के लिए इसे रखते हैं तो कहीं पर भी आप अपने कामों को इजीली कर सकते हैं और कहीं पर भी हवा डालने की जरूरत हो तो इजीली डाल सकते हैं। ये डिवाइस जैसे ही डाउन होता है आप इसे अपने माइक्रो यूएसबी पोर्ट में जिससे आप अपने फोन को चार्ज करते हैं उसी पोर्ट में आप इसे चार्ज कर सकते हैं। नंबर 8 DJI मैवी मिनी ड्रोन। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे खास गैजेट है। ड्रोन हम सब के लिए प्यारा होता है। हम सभी चाहते हैं कि ड्रोन शॉट लें, कहीं पर भी घूमने जाएं या कहीं पर भी सिनेमैटिक शॉट लेना हो या कहीं पर भी किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करना हो तो आपके लिए ड्रोन सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। तो इस DJI मैवी मिनी ड्रोन को आप ले सकते हैं। इसमें 4K रेजोल्यूशन वीडियो साइज मिल जाता है जिसकी फ्लाइट टाइम 30 मिनट है, जिसे अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आधे घंटे तक आप इसे फ्लाई करा सकते हैं। इसमें स्मूथली वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्ड करना हो या किसी भी तरह का वीडियो रिकॉर्ड करना हो हाई रेजोल्यूशन में तो आप इजीली कर सकते हैं। इसका कंट्रोल भी मिलता है जिसमें सभी तरह की आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं, जिसमें आप रेजोल्यूशन सेटअप कर सकते हैं और इसमें जो कैमरा लगा हुआ है वो अल्ट्रा स्मूथ है, जिसमें अगर आप किसी भी बंदे को सिलेक्ट कर देते हैं तो उसी बंदे को ये फोकस करेगा और वो बंदा जिधर भी जाएगा ऑटोमेटिक वो इसे फोकस करेगा और उसी का वीडियो शूट करेगा, यानी कि इसमें ट्रैकिंग फीचर भी मिल जाता है। इस DJI मैवी मिनी ड्रोन को आप भी खरीद सकते हैं। और दोस्तों लास्ट गैजेट है फिश बॉल, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गैजेट है। अगर आप कहीं पर भी घूमने जाते हैं और आपको 360 डिग्री पर वीडियो रिकॉर्ड करना है या फिर फोटो क्लिक करना पसंद है तो आप इस बॉल को ले सकते हैं और किसी भी अपने स्मार्टफोन में इसे पोर्ट करके कहीं भी 360 डिग्री पर आप वीडियो या फोटो ले सकते हैं या किसी भी सोशल मीडिया साइट फेसबुक इंस्टा लाइव वीडियो भी डाल सकते हैं। इसे कनेक्ट करने के लिए ना ही किसी वाईफाई की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी केबल की। आप अपने स्मार्टफोन के चार्जिंग में इसे जैसे ही अटैच करेंगे तो आप इस कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं और 360 डिग्री में कहीं पर भी लाइव आ सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये गैजेट? इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।